सुप्रभात, मेरा नाम उपासना चौधरी है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम इंटरनेशनल स्कूल है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी का तीसरा पार्ट, जो कि है खिलौने वाला। उसके इस कहानी में होता है कि एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है, और उसके पास बहुत सारे खिलौने रहते हैं। सब बच्चों ने तो किसी ने गुड़िया ली, किसी ने बहुत सारे खेलने सामान लिए, लेकिन एक बच्चा है जो जाता है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कोई खिलौने चाहिए। मुझे जो है ना, जैसे राम ने रामायण में धनुष तलवार ली थी और किसी ताड़ का रावण इनको मारा था, इसी तरह से मैं जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा और बड़ा होकर रामचंद्र कहलाऊंगा। और आपको जो है ना, जैसे राम की रामायण में माँ कौशल्या थी, तो ऐसी आप भी मेरी माँ कौशल्या कहलाओगी। पर जब मैं ये बन जाऊँगा, तो जब मैं अगर आप हंसते हंसते कहोगी कि वन में चले जाओ, मतलब कि वन जाओ, तो मैं कुछ हंसते हंसते जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे आपकी तरह मुझे लोरी कौन सुनाएगा? अगर मैं रूसूंगा तो मुझको कौन मनाएगा? इसी कहानी से हम समझते हैं कि माँ के अलावा कुछ नहीं है। माँ का प्यार हमेशा याद आता है। धन्यवाद।